दोस्तों, क्या आपको बीए या बीकॉम दोनों में से कोई कोर्स करना चाहिए या दोनों ही नहीं करना चाहिए? अभी एट प्रेजेंट के कंपटीशन को देखते हुए जो कंपटीशन चल रहा है, या बहुत सारे लोगों के माइंड में क्लियर होता है कि ट्वेल्थ पास अभी कर ली है, हमें जल्द से जल्द ग्रेजुएट होना है और उसके बाद किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अभी 12वीं पास करते हैं या फिर 12वीं पास करने के बाद 2-3 साल अगर खराब हो भी गए, ये 1-2 साल खराब हो गए हैं, तो अभी वो सोचते हैं कि हम कहीं से भी बीए या बीकॉम में एडमिशन ले लें, या बीएससी तो सेकेंडरी थॉट होता है, पर पहले बीए या बीकॉम में से कोई भी एक कोर्स करने की सोचते हैं कि बस वो ग्रेजुएट हो जाए। दोस्तों, क्या आपको बीए या बीकॉम दोनों में से कोई कोर्स करना चाहिए या दोनों ही नहीं करना चाहिए? अभी एट प्रेजेंट के कंपटीशन को देखते हुए जो कंपटीशन चल रहा है नौकरियों के लिए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को अपना काम करना पड़ रहा है और इवन प्राइवेट नौकरी तक इजीली लोगों की नहीं लग पा रही है, तो क्या कहती है अभी की सिचुएशन? आप बीए में एडमिशन लें या बीकॉम में लें, या दोनों में ही एडमिशन ना लें? आज काफी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं आपकी, कि आप अगर बीए बीकॉम भी करते हैं तो कहां से करें, डिस्टेंस से करें, ऑनलाइन करें या फिर रेगुलर करें, या फिर आप करें ही ना इस कोर्स को, दूसरे किसी कोर्सेज की तरफ जाएं। आज इन सभी तरह के डाउट्स जो आपके दिल में है, सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि आप बीए करें या बीकॉम या दोनों ही ना करें, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई 12th पास करता है तो 12th पास करते ही या तो आपके पास एक विजन होता है कि आपको 12th पास करते ही अब ये कोर्स करना है, या बहुत सारे लोगों के माइंड में क्लियर होता है कि 12th पास अभी कर ली है, हमें जल्द से जल्द ग्रेजुएट होना है और उसके बाद किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले से ही क्लियर होता है कि 11th 12th हमने कर ली है किसी भी स्ट्रीम से, आपने आर्ट्स से की हो, कॉमर्स से की हो, वोकेशनल की हो या साइंस से की हो, करने के बाद में अब हम ये करेंगे, बीटेक करेंगे या फिर हम एजुकेशन के फील्ड में जाएंगे, नर्सिंग के फील्ड में जाएंगे, या हम लॉ करेंगे, या फिर कोई भी डिफरेंट कोर्स हो सकता है, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो सकता है जिसे करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बीए और बीकॉम, आप नॉर्मली अगर बीए बीकॉम करते हैं, बस ग्रेजुएट होना चाहते हैं और बाद में सरकारी नौकरी के लिए ही आप कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। आप अपनी बिल्कुल साइड बाय साइड जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस सरकारी नौकरी के लिए, आप बिल्कुल बीए कर लें या बीकॉम कर लें, इसको चलने दें और साथ साथ ही अपनी तैयारी करते रहें। बिल्कुल ठीक डिसीजन है आपका, इसमें कोई इंटरप्शन कोई ना करे तो बेटर है। पर अगर आपका विजन क्लियर नहीं है और आपको यह भी लग रहा है कि यार हो सकता है कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी या मुझ में वो क्षमता नहीं है, तो दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा होता है। या तो आप अपने पूरे करियर को दांव पे लगाने वाले हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको कोई नौकरी ना मिले, और ऐसा होता है बहुत बार। हमें काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर, मैंने अभी बीए कंप्लीट कर लिया पर नौकरी नहीं मिल रही, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी मुझे अच्छी नौकरी मिल नहीं पा रही। दोस्तों, होता क्या है, आज की डेट में देखा जाए तो लोगों को चाहिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। क्वालिटी कैसे आएगी, जब आपने क्वालिटी बेस्ड कोई कोर्स किया होगा। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थोड़े दिन पहले, BCA in साइबर सिक्योरिटी जैसा एक कोर्स लॉन्च हुआ। मतलब कि साइबर सिक्योरिटी क्यों हुआ, क्योंकि कितने फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों आजकल अपने समाज में, इतने सारे फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन डाटा उड़ा देते हैं, लोगों का पैसा उड़ा देते हैं। बहुत तरह की जरूरत, रिक्वायरमेंट्स फील हुई कि साइबर सिक्योरिटी में कोर्स कराना चाहिए, तो ये एक ऐसा कोर्स हुआ जिससे आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और फ्यूचर में आपकी नौकरी लगे चाहे ना लगे, कम से कम अपना तो कुछ ना कुछ अच्छा आप सीख ही लो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 12 जैसे पास की तो उन्होंने बीए बीकॉम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी किया, और भी तेजी से करने वाला कोर्स उन्होंने डी फार्मेसी किया, 2 साल का डी फार्मेसी किया और सीधा अपनी कोई भी मेडिकल शॉप खोल ली और जाकर वो केमिस्ट बन गए और कमाई उनकी शुरू हो गई, और साइड बाय साइड उन्होंने डिस्टेंस से अपना बीए या बीकॉम का फॉर्म भर दिया। डिस्टेंस से बीए बीकॉम साथ में चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है। अब करते करते उन लोगों जैसे 3 साल कंप्लीट हुए तो वो केमिस्ट मतलब कि फार्मासिस्ट तो है ही है। अब आगे आगे वो कोशिश कर रहे हैं अपने अटेम्प्ट्स को देने की, अगर सरकारी नौकरी उनकी लग गई तो बहुत अच्छी बात, वरना वो दूसरी चीज तो है ही। दोस्तों, इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।
पहली बात, क्या आप बीए या बीकॉम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपका विजन क्या है, मतलब कि क्या करने वाले हैं आप आगे, या फिर क्या आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं, या फिर आपने बीए बीकॉम को छोड़कर आपने कोई ऐसे कोर्स को चूज किया जो टेक्निकल या फिर कोई इंफॉर्मेटिव या फिर कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई एक ऐसा कोर्स चूज कर लिया जिससे कि नौकरी लगे ना लगे कुछ आप अपना तो कर ही लेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सकता है इससे दूसरे किसी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके और वो अपने करियर में कोई अच्छा कोई ऑप्शन चूज कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये भी करते हुए देखा है कि वो 5 ईयर की लॉ करते हैं, 5 साल की लॉ, 5 ईयर्स की लॉ करते हैं, वो सोच लेते हैं कि या तो हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, हम काफी सारे एंट्रेंस देंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, या तो उनकी नौकरी लग जाएगी, और नहीं भी लगी तो वकील तो वो पक्का बन ही जाएंगे। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंड करता है, मैं फिर बोल रहा हूं कि आपका विजन क्या है, आपका टारगेट क्या है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी ही आपका टारगेट है, बीए कर लें बीकॉम कर लें, दोनों ही नॉर्मल वे में अगर आप कर रहे हो तो एक बात अलग है। अगर आप कोई स्पेसिफिक आप करें, जैसे कि बीए इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो हो सकता है पॉलिटिक्स को पढ़कर आप और आगे निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग बीए इन इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, बहुत सारे लोग बीकॉम कंप्यूटिंग में करते हैं, बहुत से लोग बीकॉम करते हैं मैथमेटिक्स, मतलब अलग अलग तरह से वो स्ट्रीम चूज करते हैं। या तो आपका विजन क्लियर हो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, या तो आपका विजन बहुत क्लियर हो, दोस्तों एजुकेशन से ही आगे जाके पहचान मिलेगी आपको। आप सोच रहे हैं बस मैं डिग्री ले लूंगा उससे बात बन जाएगी, डिग्री से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी रसीद भर है जो आपने फीस पे की है यूनिवर्सिटी को और आपको डिग्री मिल गई और कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिकली टेक्निकली कुछ आना चाहिए, जब तक आपको कुछ आता नहीं है तब तक आप नौकरी मांग नहीं पाओगे। दोस्तों आज की डेट में कहीं भी जाओ, सरकारी नौकरी जाओ, प्राइवेट नौकरी में जाओ, प्राइवेट नौकरी में भी क्या वो लोग मांगते हैं कि जहां पर 10 लोगों काम अकेला एक आदमी करे, ऐसा इंसान चाहिए उनको। उनको ऐसा इंसान नहीं चाहिए कि 10 लोग हमने रख लिए और वहां पर एक का भी काम पूरा नहीं कर पा रहे। और अगर आपके अंदर वो क्वालिटी हुई तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आप बहुत अच्छी इनकम भी ले पाओगे, खुद सीख रहे हो वो अलग। मैं तो बहुत लोग आजकल डिजाइनिंग कोर्सेज करते हुए देखा है, वेब डिजाइनिंग कोर्स करते हैं, एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग में इतने बढ़िया बढ़िया कोर्स आ चुके हैं, वो आप कर सकते हैं। तो मैंने फिर वही आपको बताया दोस्तों कि आप अगर जा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए तो एक बात एक अलग है, आपने अगर स्पेसिफिक फील्ड कोई चुना है तो उसके रिलेटेड ही आप कोर्स करें, ताकि आपको नौकरियां मिल सके, ताकि आपको रोजगार मिल सके, ताकि आपको बिजनेस करने में कोई परेशानी ना आए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, और कोई भी हेल्पिंग हैंड आपको मिल ही जाएगा। तो आपको चूज करना है, सिर्फ बीए बीकॉम करना चाहते हो या फिर कोई उसमें एड ऑन करके कोई एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स करना चाहते हो, वो डिपेंड आप पर करता है। बट नॉर्मली बीए बीकॉम करके अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मतलब कि ना ही तो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो और ना ही कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो सिर्फ आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ना बीए करें ना बीकॉम करें, फिर तो बेटर है वो करें ही ना, क्योंकि सिर्फ नाम मात्र होगी। और बेटर है कोई अच्छा कोर्स करने के साथ साथ आप इसको डिस्टेंस में कर लें या ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन के बहुत सारे ऑप्शंस बीए बीकॉम करने के अवेलेबल है। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स आपके दिल में है या कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।